नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आजकल विपक्षी एकता की बहुत बात हो रही है, लेकिन ये एकता ऐसी है जो नकारात्मक मुद्दों पर दिखाई देती है। जैसे ही सकारात्मकता की बात आती है, कुछ क्रिएटिव, कुछ पॉजिटिव करने की बात होती है, ये एकता अनेकता में बदल जाती है। यही हो रहा है इस समय विपक्षी दलों के साथ। सब चाहते हैं कि मोदी को हराने के लिए सारे विपक्षी दल एक हो जाएं, तो ये संभव हो सकता है। होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन उनको ऐसा लगता है। लेकिन जब एक होने की बात होती है तो आपको अलग अलग चेहरे, अलग अलग मुद्दे, अलग अलग दिशा में जाते हुए लोग दिखाई देते हैं। इस विपक्ष की इस लोकसभा में जो विपक्ष है, इस समय जो विपक्ष है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ, इसकी सबसे बड़ी नाकामी अगर कहें, देखिए चुनाव जीतना हारना तो बाद की बात है, वो ये है कि वो एक मंच पर सब दल आने को भी तैयार नहीं है। इससे पहले गैर कांग्रेसवाद की राजनीति का एक लंबा दौर देश ने देखा, लेकिन जब भी इस तरह की बात होती थी, एकता होती थी, तो फ्लोर कोऑर्डिनेशन भी होता था और संसद के बाहर भी एकजुटता होती थी। इसी एकजुटता के कारण 1977 में कांग्रेस को सत्ता से हटा सका विपक्ष, इसी एकजुटता के कारण 1989 में हटा सका। तो ये बात अगर अतीत से, इतिहास से सीखने को आज का विपक्ष तैयार नहीं है, तो उसका नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बहुत से लोग होंगे जो अब जिन्होंने संसद की कार्यवाही इन 5-10 सालों में ही देखी होगी, उनको आश्चर्य भी हो रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है। तो उनको थोड़ा सा अतीत में ले जाकर याद दिला दें, कांग्रेस पार्टी का ये व्यवहार कोई नई बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी, जॉर्ज फर्नांडिस उस समय देश के रक्षा मंत्री थे, एक तहलका नाम की पत्रिका ने स्टिंग ऑपरेशन किया डिफेंस डील्स को लेकर, और उसमें जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ आरोप लगाया गया। उसके आधार पर उस पूरे टेप में जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कुछ नहीं था, फिर भी हमला जॉर्ज फर्नांडिस पर हुआ। उसकी वजह से नैतिकता के नाते जॉर्ज फर्नांडिस का रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा हो गया मार्च 2001 में। लेकिन जब बात आगे बढ़ी, उस सितंबर में खुद तहलका के जो उस समय मुखिया थे, पत्रिका के प्रधान संपादक थे तरुण तेजपाल, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस पूरे टेप में जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में कुछ नहीं है। वो अलग बात है कि वो बाद में जाकर पलट गए और कहे कि उन्होंने कहा कि कैसे जिम्मेदारी से बच सकते हैं, लेकिन उस समय उनका ये जब बयान आया, उसके बाद जब पूरा टेप देखा गया, उसकी जांच हुई शुरुआती, तो उसके बाद अक्टूबर 2001 में जॉर्ज फर्नांडिस को फिर से रक्षा मंत्री बना दिया गया। लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुई। कांग्रेस ने 2 साल तक, जी हां 2 साल तक संसद में जॉर्ज फर्नांडिस जो देश के रक्षा मंत्री थे उनका बायकॉट किया। प्रश्नकाल में अगर वो सवाल का जवाब, उस दिन अगर उनके मंत्रालय का दिन हो, सवाल का जवाब देने के लिए खड़े होते थे तो या तो हंगामा करते थे, हल्ला करते थे कांग्रेस के सदस्य, या बायकॉट करके बाहर चले जाते थे। वो उन्होंने तय कर लिया था, घोषणा कर दी थी कि जॉर्ज फर्नांडिस को संसद में बोलने नहीं देंगे, और ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा। इसमें केवल ढील एक समय दी गई जब सोनिया गांधी ने 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया, तब ये हुआ कि वो सांसद के नाते जो है वो इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। ये गतिरोध इतना लंबा चला, दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी थे, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, दोनों ने कोशिश की, विपक्षी नेताओं से बातचीत की कि यह गतिरोध टूटना चाहिए। समझौता ये हुआ कि राज्यसभा में तहलका के मुद्दे पर सरकार बहस कराएगी और कांग्रेस अपना बायकॉट खत्म कर देगी। उसके बाद ये समझौता हो गया। उसके बाद जॉर्ज फर्नांडिस को एक बयान देना था लोकसभा में, उसको पार्टी ने रुकवा दिया कि ये बहस हो जाएगी, उसके बाद बयान होगा। लेकिन कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई।
वो फिर से जो है उसी अपने अड़ियल रवैये पर आ गए। उसके साथ साथ इसमें जोड़ा गया एक मुद्दा, आपको शायद पढ़ा होगा कुछ जिन्होंने उस समय का संसद का की कार्यवाही देखी है उनको याद भी होगा, वो था कॉफिन गेट का। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जो हमारे शहीद हैं उनका पार्थिव शरीर लाने के लिए आनन फानन में उस समय जल्दी में विदेश से मंगाए गए थे कॉफिन ताबूत। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इसमें घोटाला हुआ है और जो है कफन चोर नाम दिया गया सरकार के मंत्री को, सरकार को कहा गया कि कॉफिन गेट हुआ है, कॉफिन घोटाला हुआ है और इसकी जांच कराएंगे। उसमें कुछ भी नहीं था लेकिन कांग्रेस मानने को नहीं तैयार थी। क्या हुआ, तहलका के मामले में फरवरी 2004 में फूकन आयोग की रिपोर्ट आई, उसकी जांच बिठाई थी सरकार ने, फूकन आयोग की रिपोर्ट आई, उसने जॉर्ज फर्नांडिस को क्लीन चिट दिया। लेकिन कांग्रेस ने उस पर अफसोस जाहिर करने की कि दो साल तक देश के रक्षा मंत्री को संसद में बोलने नहीं दिया, इस पर कोई अफसोस नहीं जाहिर किया। कॉफिन गेट का क्या हुआ, उसको बहुत जोर शोर से सोनिया गांधी ने उठाया, अपने हर भाषण में चुनाव के दौरान 2004 के चुनाव के दौरान इस मुद्दे को उठाती थी कांग्रेस पार्टी, उठाती थी हर सभा, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह इस मुद्दे को उठाया जाता था कि यह सबसे बड़ा मुद्दा है। 2004 का चुनाव हुआ, कांग्रेस की सरकार यूपीए की सरकार बन गई, सीबीआई पर दबाव डाला गया कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज करे, जांच करे। सीबीआई ने कहा इस मामले में कुछ नहीं है, लेकिन राजनीतिक दबाव में आखिरकार सीबीआई ने पीई फाइल किया। एफआईआर के लिए कुछ था नहीं इसलिए किया नहीं, पी मतलब प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, शुरुआती जांच, वो हो गया। 10 साल यूपीए की सरकार रही, चुपचाप कुछ महीने बाद उस मुद्दे को खत्म कर दिया गया, सीबीआई ने केस बंद कर दिया क्योंकि उसमें कुछ था नहीं। तो कैसे विमर्श झूठे मुद्दों पर खड़ा करती है कांग्रेस पार्टी, ये उसका सबूत है। ये जो पेगासस के मुद्दे पर ये इतनी बहस हो रही है, इतनी चर्चा हो रही है, अब आप देखिए कांग्रेस पार्टी क्या ये समझती है कि किसानों का मुद्दा वोट उससे नहीं मिलते, या वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है उनके लिए, महंगाई मुद्दा नहीं है उनके लिए, कोरोना का मुद्दा नहीं है, या फिर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, ये सवाल संसद में इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वोट का, जाति का नाम आया, ये सब कुछ भूल गए। कांग्रेस पार्टी इस पूरे सत्र के दौरान एक ही मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हुई है, वो है ओबीसी बिल जो है, जिसमें संविधान संशोधन होना है। सुप्रीम कोर्ट का मई में एक फैसला आया था जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी की सूची में किसी जाति को जोड़ने या हटाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार का है, राज्यों को नहीं है इसका अधिकार। उससे पहले ये अधिकार था राज्यों के पास, सरकार ने, कैबिनेट ने अभी पिछले दिनों प्रस्ताव पास करके कहा कि ये अधिकार राज्यों को भी होना चाहिए और उसी के संबंध में ये विधेयक लाया जा रहा है। कांग्रेस इस पर चर्चा के लिए तैयार हो गई। तो किसानों पर बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, जब तक पेगासस पे चर्चा नहीं होगी, कोरोना पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ओबीसी बिल पर बात करेंगे, क्योंकि मालूम है कि वोट की चोट बड़ी गहरी लगेगी इस पर। तो इससे आप समझिए पेगासस उनका मुख्य मुद्दा नहीं है, ये एक फर्जी खड़ा किया गया इशू है जिसको ये बताने की कोशिश हो रही है। ये उसी तरह से जैसे कॉफिन गेट का खड़ा किया गया था मुद्दा, उसी तरह से जैसे राफेल का मुद्दा खड़ा किया गया था, उसी तरह से इस पेगासस के मुद्दे को खड़ा किया जा करने की कोशिश हो रही है, वो बन नहीं रही है बात। तो नई नई चीजें जुड़ रही हैं। अब ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट से एक फोटो हटा दी, ट्वीट हटा दी, जिसमें उन्होंने एक रेप पीड़िता बच्ची के परिवार जनों की फोटो डाली थी सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। कानून, सुप्रीम कोर्ट के आदेश इस बात की मनाही करते हैं कि आप किसी यौन शोषण के पीड़ित या उसके परिजनों की फोटो या नाम जाहिर नहीं करेंगे, ये कानूनी रूप से अपराध है।
लेकिन राहुल गांधी ने किया क्योंकि उनको इसका चुनावी फायदा लेना था। ट्विटर ने उसको हटा दिया। अब एक अभियान चलाया जा रहा है, मैं भी राहुल के नाम से कांग्रेस में, आपको याद होगा 2019 से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले एक अभियान चलाया था प्रधानमंत्री ने, मैं भी चौकीदार, सुपर हिट रहा था वो अभियान, सोशल मीडिया पर लोगों ने हाथों हाथ लिया था, वो अभियान चल नहीं पा रहा है। तो मुश्किल ये है कि जो विपक्षी दल, देखिए पहले तो आप गिनना शुरू कीजिए, बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस जो जगनमोहन रेड्डी जिसके अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री भी हैं आंध्र के, टीआरएस मतलब तेलंगाना राष्ट्र समिति, केसीआर जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं, अन्नाद्रमुक, उसके अलावा बीएसपी, अकाली दल, और बीच बीच में आप जो है इधर से उधर वो झूलती रहती है, ये ऐसी पार्टी है जिसका कोई अपनी विचारधारा नहीं है, स्टैंड नहीं। ये पार्टियां इस विपक्षी एकता में शामिल नहीं है। जो शामिल हैं, जो सबसे ज्यादा सक्रिय है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, उनके लोगों का मानना है कि इस विपक्षी एकता अगर होगी तो उसका नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथ में होना चाहिए। जब से ये रियलिटी होती हुई दिखने लगी है तब से राहुल गांधी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए। उनकी सक्रियता पिछले 10-15 दिनों में, आपको 10-12 दिनों में जो दिख रही हो वो ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा के बाद से दिख रही है। सक्रिय हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, पार्टी के लिए भी अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात है। जितने लोग विपक्ष में सक्रिय हों, मजबूत हों, आगे बढ़े, किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन मकसद क्या है, चाहते क्या है, क्यों ऐसा होता है बार बार कि आप नेगेटिव मुद्दों पर एक साथ खड़े हो जाते हैं? अगर जैसे ही कोई पॉजिटिव मुद्दा आता है, जैसे ही देश की समस्या, देश के गौरव की बात हो, आप देखिए कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है भाला फेंक में ओलंपिक में, उस मुद्दे पर भी आपको विपक्ष में एकता दिखाई नहीं देगी। राहुल गांधी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी हो, उनका ट्वीट मैंने देखा नहीं, हो सकता किया हो, मेरी नजर में नहीं आया। तो मैं ये मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं, ये उन्होंने बधाई दी या नहीं दी इससे कोई नीरज चोपड़ा की उपलब्धि पर असर नहीं पड़ता है। मैं बात ये कह रहा हूं कि इस समय जो विपक्ष और लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है वो आपको ऐसे मुद्दों पर ले जाना चाहता है, ऐसे मुद्दे उठाता है जिनसे आपको शर्म महसूस हो, जिससे आपको लगे कि आप कमतर हैं, आप हे हैं। भारतीय संस्कृति के ऐसे ऐसे आयामों को उठाता है गलत तथ्य पेश करके, जिससे आपको लगे कि आप तो बहुत घटिया थे, ये तो मुगल और मुसलमान आए, उसके बाद ब्रिटिश आए जिन्होंने आपको सिखा दिया, आपको उन्होंने आर्किटेक्चर सिखा दिया, आपको उन्होंने जो है डेमोक्रेसी सिखा दी। कोई इनसे पूछे भाई उन्होंने आर्किटेक्चर सिखा दिया, वो जहां से आए थे वहां कोई आर्किटेक्चर ऐसा दिखता है क्या भाई? अगर अगर उन्होंने सिखा दिया, उनके पास थी ये विद्या, तो उनके अपने देश में भी तो कुछ होना चाहिए। उन्होंने शासन का कौशल हमको सिखा दिया तो उनके देश में भी था क्या? डेमोक्रेसी क्या अंग्रेजों के आने के बाद भारत में आई है? तो ये कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए बहुत घटिया थे आप, जो सनातन संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको आप हकारत की नजर से देखिए तो आप प्रोग्रेसिव हैं, तो आप पढ़े लिखे हैं, तो आप सेक्युलर हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कम्युनल हैं, दकियानुसी हैं, आप सांप्रदायिक हैं। तो गर्व करने वाली बातों पर अचानक इनके हाथ पैर फूल जाते हैं, जबान बंद हो जाती है। भारत की कोई उपलब्धि हो वो इनको रास नहीं आती है। तो ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ सतत अभियान चलाने की जरूरत है। चुप रहने से या उसको इग्नोर कर देने से, उपेक्षा कर देने से स्थितियां नहीं बदलने वाली। इनकी ताकत मैंने पहले भी कहा था बहुत ज्यादा है, खासतौर से बुद्धिजीवी वर्ग में। अंतर्राष्ट्रीय एक षड्यंत्र है। अब आप पेगासस में भी अगर जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि जो संस्थाएं हैं, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल हो,
चाहे फॉरबिडन स्टोरीज हो, ये दोनों संस्थाओं के फंडर कौन है, पैसा कहां से आता है? आपको समझ में आएगा अंतर्राष्ट्रीय साजिश का ताना बाना। तो इस साजिश को आप हल्के में मत लीजिए, इसलिए नहीं कि इससे बीजेपी को फायदा होगा नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा नुकसान होगा, बीजेपी कांग्रेस आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे बिगड़ेंगे, कोई पार्टी सत्ता में आएगी कोई बाहर जाएगी। देश को देखिए, देश रहेगा तो ये पार्टियां रहेंगी, देश रहेगा तभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी पार्टियां सत्ता में आएंगी सत्ता से बाहर जाएंगी। तो चिंता अगर देश की है तो इन चीजों को हल्के में मत लीजिए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। और हाँ, चलते चलते आपको याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।